और जाना अपना आसवे ले सही और सुनवे अस्सलाम वालेकुम आजी। वो नाइस स्विंग यार है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय समर बट आई एम फाइनली बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस आप सबको रमजान मुबारक बहुत बहुत। और फाइनली आपका भाई वापस आ चुका है व्लॉगिंग में और इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आपका भाई जो सा अब रेगुलर रहेगा। इंशाल्लाह आपकी दुआएं और सपोर्ट रहेगी तो आपका भाई इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा यूट्यूब पर, इंशाल्लाह डेली के डेली व्लॉग्स आएंगे। अच्छा सो जी रमजान आया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने नसीब किया हमारे फिर दोबारा से। तो मैंने कहा यार रमजान के मौके पर जो सा ना व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है आप सबको जो सा ना वेलकम करते हैं दोबारा अपने व्लॉगिंग चैनल के अंदर। यार पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एक सदम मेरा इतना जुनून चढ़ता है कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो और फिर एक सदम ब्रेक लग जाती है कि पता नहीं यार समझ में बाहर है यार मैं क्या करूं। सो मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरा कि सरमद भट्ट किधर आया गया। यार सरमद भट्ट आ जाओ वापस व्लॉगिंग चैनल पर, आ जाओ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो फाइनली आपका भाई आ गया आपकी दुआओं से प्यार से। सो गाइस बताए फिर रमजान की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? हमारे तो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है तो कल माशाल्लाह से इंशाल्लाह से पहला रोजा रखेंगे इंशाल्लाह और आपको भी दिखाएंगे फर्स्ट हमारी सैरी किस तरह होती है और मैं क्या खाऊंगा। अभी इस टाइम टाइम जो सा वो 10:30 का हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं इस टाइम। तो मैंने कहा रात के टाइम ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका सपोर्ट प्यार मुझे चाहिए, ठीक है नहीं तो फिर आपका भाई फिर जो सा ना नहीं अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना जो मर्जी हो जाए। अब जो सा ना ट्रेन जहाज चढ़ गई है, ट्रेन जहाज चढ़ गई है। अच्छा 15 मिनट्स लेटर हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। करार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाल्लाह वाज वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कटो कट अरे उगड़ा माशाल्लाह भाई मजा आ गया। अभी जिस बंदे ने नात पढ़ी है ना अब देखें लंडे का ट्रैक सूट पहना हुआ है और खेल है क्रिकेट लग गए भाई। ये यूके क्या यूके ये नहीं नहीं गलत बोल रहे कैसे खेलनी है ठीक है भाई।
ये अब खेल के बताना कैसे खेलनी है। स्पीकर घट कर पट्टी तेरी टोपी ला जड़ी ही दे तुझे बैठ विकेट इधर क्यों करना पा सानू बजवाई गाइस ये जान के विकेट इधर कर रहा है कि बाल हमें लगे चलो पर सब आई एने जो गई हो तुसी लगे जागे चूहे फर जागे की करन ओए पैंपर पाया था ना वैन यार रेड के सोट दे भाई पटिया हो एंजी खेल ला एंजी कल पड़ा नु कल पड़ा लो जी देसी बाल कराने लगे लो जी देश की चमचे को बाल कराने लगी ओहो गेंद पकड़ चलो जी आइयो फुड़ अगे हो तो कहे हम जो से ना बैठे बैठे उधर बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि सुनो का क्लब चलते हैं सब बस बेटा जेब में 300 का बिल इन्वेस्ट कर लेते भाई 300 भी बहुत होता है भाई ये देखे आवाम जो से ना बाहर निकली हुई है इस टाइम और बस वापसी की तैयारी है क्योंकि शहरी में अभी रह गए हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे छोटे आज तक कभी तस्वीर फड़ी और तस्वीर फाड़ ली ये रमजान के मुसलमान है आज तो बजट है वो चेहरे नजर आने तो गए आज को मैं पज्जर के डाइव आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा और मस्जिद नजर पता क्यों वो छे छे फुट दे होने ये 1.5 फुट है यार मतलब असी नजर आई जागे तो नजर तो तू भी नहीं आना उंज 12 seconds later नाइस शॉट माय प्लेयर तो गए ये और मैं एक टीम ये भाई मौलवी साहब और ये दूसरी टीम ठीक है और हमारा मैच लगा हुआ देखते हैं कौन जीतता है ओ मिस कर गया नो माय टर्न वो नाइस स्विंग यार हैं क्रिकेट खेल रही है नाइस स्विंग मेरा प्लेयर इतना अच्छा प्लेयर है उसको स्टिक पकड़नी नहीं आती है कहता है मैं आर्मी वाले एरिया में जाके खेलता हूँ ये देख ला मेरा इधर मेरी बारी है तो जी अपनी मैं छोड़ता है ओ भाई मेरी है इधर हो 5 minutes later तो गए स्नोकर से हम फ्री हो गए निकल गए थे ठीक है और कसम से जलील हो गए और मेरा जो प्लेयर है ना ये सेंटर वाला देश की इसने मुझे जलील करवा दी सेंटर वाली देश की गजब बेइज्जती है 3 hours later अस्सलाम वालेकुम जी
फर्स्ट शहरी मुबारक जी, माशाल्लाह माशाल्लाह पराठे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे जी, बल्लू वाले देख सकते हैं आप, कलर पराठों का ठीक हो गया जी। ये क्या है जी, चिकन वाला सालन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो उसे दही के साथ खाऊंगा भाई साहब। दही ये पड़ा हुआ है, हम दही को निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। और बाकी सब भी फिलहाल सोए हुए हैं क्योंकि अभी टाइम है, अभी सवा चार हो गया, तो मैं फटाफट से खा लेता हूँ ना, पहले पहले दही को निकाल दे फटाफट से। सो गाइस मेरा जो सा है हो गया है सैरी रेडी, दूसरा फटाफट से सैरी करते हैं फिर नमाज के लिए चलते हैं। फटाफट जी गाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पात्रा लाख लाख शुक्र। पहली सहरी जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया कसम से। अब कई कई मस्जिदों में जो सा ना अजाने होने लग गई है, ठीक है। तो अभी है टाइम, हमारी मस्जिद में अजान का टाइम है अभी, तो छोटे भाई को बिठा दिया, बाबा को भी बिठा दिया मैंने, ठीक है। तो अब जैसी अजान होती है तो फिर इंशाल्लाह नमाज के लिए भी जाएंगे फजर की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और कोशिश यही होगी इंशाल्लाह सारी नमाजें पढ़े। A few inches later फजर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लिप देखी होंगे, मैं बाहर बैठ गया था गली में, ठीक है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम बाहर बैठ गए थे तो हमारे बड़े जो से वो हमें दीन की बातें समझाने लग गए थे कि ये रमजान हमारे लिए क्यों स्पेशल है। अल्लाह को याद इस महीने में जितना ज्यादा करो उतना ही कम है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही है पूरी कि इंशाल्लाह इबादत करेंगे और अल्लाह को जो है ना खुश करेंगे। इसी के साथ ब्लॉग में यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको इफ्तारी वाले ब्लॉग में मिलूंगा इंशाल्लाह, तो सहरी वाले ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आप सब ने, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह एक्टिव रहूंगा यूट्यूब पर। और अब मैं रुकने वाला लगा क्योंकि ट्रेन जो थी वो ज्यादा चल गई है, ट्रेन ज्यादा चल दी है, ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, जो जो न्यू है जो जो न्यू वीडियो देख रहे हैं जो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आप सबने। अस्सलाम वालेकुम।